वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर ये यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज कॉम्प्लेक्स नंबर का 19th लेक्चर है। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस, देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन को हमें यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखा है एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन इन पोलर फॉर्म। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या होता है। तो हम आपको बता दें कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं। वैसे ये सब कुछ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के इनिशियल जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स लिए थे ना उसमें हमने सब कुछ बेसिक बताए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, पूरा बेसिक उससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम आपको यहाँ क्विकली बता रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा पोलर फॉर्म और तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तीनों फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म। अगर z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, अगर ये फॉर्म में है तो ये होता है पोलर फॉर्म। और अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो दैट इज r इंटू e टू द पावर i थीटा, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म की आइडिया आपको होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें गिवन फ्रैक्शन को ये फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो ये फॉर्म या ये जो है ना, ये है पोलर फॉर्म। इसमें आप देख सकते हैं r है, थीटा है, हमें बस यहाँ r और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करना है और ये हमारा फॉर्म तैयार हो जाएगा। अभी हमारे पास r और थीटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r एंड थीटा पहले फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमें r एंड थीटा मिल गया तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आसानी से पोलर फॉर्म मिल जाएगा। अब ये r और थीटा कहाँ से मिलेगा, तो r और थीटा फाइंड आउट करने के लिए उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो r का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा का फार्मूला होता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ, अगर पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको tan इनवर्स ऑफ y बाय x करना है, क्वाड्रेंट 2 में है तो माइनस लगाना है, क्वाड्रेंट 3 में है तो माइनस माइनस लगाना है, क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको थीटा निकालना होता है। तो फाइनली ये फार्मूले से आपको r मिलता है और ये फार्मूले से आपको थीटा मिलता है और इन दोनों में आपको x एंड y पुट करना पड़ेगा। अब x एंड y कहां से लाएंगे, तो x एंड y आपको यहां से लेके आना है, ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ना यहां से आपको x एंड y मिल जाएगा। तो फाइनली बोलने का मतलब यह है कि अगर हमें ये फ्रैक्शन को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो यहां पे हमें एक्स एंड वाई यहां से हमें निकालना पड़ेगा। बोलने का मतलब यह है अगर आप इसको प्रॉपरली चेक करेंगे, ये पूरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी आय है, डिनोमिनेटर में भी आय है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करके इसके थ्रू एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तैयार करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्म में जो होगा। ठीक है, एक बार ये फॉर्म में आ गया तो फिर हमें एक्स एंड वाई मिल जाएगा और एक बार हमें एक्स एंड वाई मिल गया तो वो हम यहां पुट करेंगे तो आर मिल जाएगा, यहां पुट करेंगे तो थीटा मिल जाएगा। एक बार आर और थीटा मिल गया तो वो हम यहां पुट कर लेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म मिल जाएगा। समझ में आया, ऐसा करना है। तो चलो फाइनली ये गिवन फ्रैक्शन को लेके सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये गिवन फ्रैक्शन को असाइन करो, हम यहां पे इसको जेड से असाइन करेंगे। सो लेट जेड इक्वल टू गिवन फ्रैक्शन, ये गिवन फ्रैक्शन को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये देखो हमने कर लिए और अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे इसके थ्रू सिंगल एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें x एंड y मिले वो उस फॉर्म में हमें पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या करो यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, मतलब यहाँ से अंडर रूट को हटाओ। अगर अंडर रूट यहाँ से हट गया तो ये आसान हो जाएगा और इसके लिए और ये आई को भी हटाना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, ये पूरे फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, पहले तो ये फिर से एज इट इज हमें लिख लेना है नीचे, क्योंकि हमें अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 5 + √3i, तो 5 + √3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 - √3i, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ 5 - √3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 5 - √3i। ठीक है, अब यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो ये कुछ ऐसा होगा 2 + हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो गया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर,
और डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर कर लेंगे, ये देखिए। और अब देखो ये कैसे सॉल्व होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से यही पे गलती होती है, गलती नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर में यहाँ पे a प्लस बी इंटू सी माइनस डी के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू 5 ये 10, माइनस 2 इंटू रूट 3 तो ये है 2 इंटू रूट 3 आए, ठीक है, 6 रूट 3 आए इंटू 5 तो ये हो जाएगा प्लस 30 रूट 3 आए, उसके बाद 6 रूट 3 माइनस रूट 3 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस 6 इंटू 3, ठीक है, और ये आई स्क्वायर यहाँ पे न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में देखो अब क्या होगा, न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, दोनों ब्रैकेट को स्प्लिट सॉल्व कर लिया है, और डिनोमिनेटर में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर है a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, देखो a प्लस बी ए माइनस बी। अगर ऐसा है तो क्या करना है, अगर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है तो उसको आप ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो ये उसी फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर का फॉर्म तैयार करेंगे। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू रूट 3 है, तो 5 स्क्योर माइनस रूट 3 आई का होल स्क्योर, देखो आई भी इसमें आएगा, इसमें आई भी आएगा क्योंकि ए और बी के फॉर्म में है, तो ए है हो गया 5 और बी हो गया रूट 3 है। और अब इसको सॉल्व करो, बिल्कुल स्टेप 5 चलेंगे, ये 10 एज इट इज, और ये माइनस 2 रूट 3 एंड 30 रूट 3 तो ये हो जाएगा प्लस 28 रूट 3 ऑफ आई, देन यहां पे 6 3 जा 18 और ये माइनस ये 18 आई स्क्योर, अब ये आई स्क्योर की जगह हमें माइनस 1 पुट करना है, ये 5 स्क्योर यानी 25 माइनस रूट 3 आई का होल स्क्योर यानी 3 आई स्क्योर, ऐसा। अब ये दोनों आई स्क्योर की जगह माइनस 1 पुट करो क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, हमने आपको इसके पहले भी बताए थे कि आई स्क्योर यानी माइनस 1 पुट करना है, ठीक है ना, माइनस 1 पुट करना है आपको, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो पुट करने के बाद ये क्या होने वाला है, 10 प्लस 28 रूट 3 आई, ये हो जाएगा प्लस 18 और डिनोमिनेटर में 25 प्लस ऑफ 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अब इससे क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 28 प्लस 28 रूट 3 आई बाय डिनोमिनेटर में 28 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे 28 कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर के साथ कट करो, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका जहाँ तक काम हो गया आप समझ गए होंगे हमने क्या करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सो देयर फोर जेड इज इक्वल टू 28 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो 28 कॉमन लेने पर न्यूमरेटर में 1 प्लस रूट 3 ऑफ आई और डिनोमिनेटर में एक और 28 है, दोनों 28 कैंसिल करने के बाद ये बचेगा 1 प्लस रूट 3 आई। तो फाइनली बस इसको और आगे सॉल्व नहीं करना है, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली हमने गिवन फ्रैक्शन जो दिया था जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, हमने पूरी इसको सॉल्व करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे तैयार कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म, और अगर ये कार्टेशियन फॉर्म है इट मीन्स अगर ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब हम यहां पे देख सकते हैं यहां पे जो पहला एलिमेंट है वो एक्स है और जो दूसरा एलिमेंट है वो वाई है, तो हम यहां पे लिख लेंगे, या फिर अगर इसको और अच्छे से लिखे तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, कंपेयर इट विथ किसके साथ, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करो दोनों को। सो कंपेयर करने के बाद हमें पता चल रहा है एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू रूट 3, इसका मतलब देखो एक्स एंड वाई जो हमें मिला है ना ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है, हम यहां पर ऐसा मेंशन कर लेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, इट मीन्स देयर फोर पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों के दोनों जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो भी पॉइंट यहां इसके थ्रू बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये क्वाड्रेंट क्यों पता करना जरूरी है, इससे आगे चल के है जो हमें थीटा फाइंड आउट करना है ना, थीटा फाइंड आउट में आपको ये पता करना पड़ता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला लगता है। चलो हमें एक्स एंड वाई मिल गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस आर और थीटा निकालना है, आर और थीटा निकालने के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए था, एक्स और वाई मिल चुका है, सो देयरफॉर अब हमें सबसे पहले निकालेंगे, देखो पोलर फॉर्म में एक होता है पहले निकालना पड़ता है मॉडुलस और बाद में निकालना पड़ता है आर्गुमेंट, मॉडुलस यानी आर एंड आर्गुमेंट यानी थीटा, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको आर और थीटा कहा था ना वो वही है, सो देयरफॉर मॉडुलस
ऑफ जेड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जेड है, उसका मॉडुलस, तो मॉडुलस निकाल रहे हम, यानी मॉडुलस को कहेंगे आर। तो आर फाइंड आउट करने का फार्मूला हम यहां लिख लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी वन और वाई स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस थ्री यानी अंडर रूट ऑफ फोर। सो आर का वैल्यू हो जाएगा टू। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें आर मिल गया, यानी हमें मॉडुलस मिल चुका है आर, क्योंकि हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना पड़ता है, यानी आर और थीटा निकालना पड़ता है। तो हमने आर निकाल लिए, अब बचा है बस थीटा यानी आर्गुमेंट। तो चलो थीटा निकालते हैं, और एक बार ये दोनों मिल गए तो दोनों का यूज करके हम पोलर फॉर्म तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे नाउ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, उसको हम थीटा कहेंगे। तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फार्मूला ऐसा रहेगा टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। बस यहां पे वैल्यूज पुट अप करो, टैन इनवर्स ऑफ वाई है रूट थ्री एंड एक्स है वन। तो टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री क्या होता है तो पता होना चाहिए, हम यहां लिख लेते हैं। टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री होता है पाई बाय थ्री, तो हमने डायरेक्टली उसका वैल्यू लिख लिए, थीटा हमें मिल गया पाई बाय थ्री, टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री यानी पाई बाय थ्री। और इस तरह से हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो दो चीजें चाहिए थी वो दोनों चीजें हमने निकाल ली है, हमें आर मिल गया, थीटा मिल गया। अब चलो फाइनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है वो हम यहां वहां लिखते हैं, और आर और थीटा उठा के बस पुट करना है, कोई आगे सॉल्व नहीं करना है, बस इनका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो चलो हम पुट करेंगे, तो इसको ऊपर करके सॉल्व करेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे ओके नाउ पोलर फॉर्म, नाउ पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या है, पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है। तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। बस वैल्यूज पुट अप करो, तो आर की वैल्यू है टू, कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ पाई बाई थ्री प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई थ्री, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सफिशियंट है। तो फाइनली पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन को, हमें गिवन जो फ्रैक्शन दिया था उसको एक्सप्रेस करने के लिए कहा था इन पोलर फॉर्म, ये हमने एक्सप्रेस कर लिया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सिंगल स्क्रीन में आ जाए, और अब आप यहां पे देख सकते हैं, देखो ये पूरा सॉल्यूशन ये आपके सामने है, और यहां पे किस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गिवन फ्रैक्शन को सॉल्व करके, या गिवन कंटेंट जो भी है, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो या कोई भी फॉर्म में हो, उसको सॉल्व करके सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन फॉर्म तैयार करना होता है, जो हमने यहां पे तैयार किए हैं। कार्टेशियन फॉर्म एक बार तैयार हो गया तो फिर आपको एक्स एंड वाई मिलता है, जो ये स्टेप है, और एक बार आपको एक्स एंड वाई मिल गया, फिर आपको आर और थीटा निकालना है। थीटा निकालते समय बस क्वाड्रेंट चेक कर लेना, और वो आपको इसी से पता चलता है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। और एक बार आर और थीटा मिल गया तो वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लेना, पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म ही है बस, और ये हमें रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म मिल गया, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप जो हमने यहां पे यूज किए हैं, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 19। इसके पहले के लेक्चर्स में इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।